तो डिस्कवरिंग सेल्फ और नोइंग माई सेल्फ, हजूर की हदीस मुबारक अमन अरफा नफ्स और फकद अरफा रब्बा, जो अपने नफ्स को पहचानता है वही अपने रब को पहचानता है। डिस्कवरिंग माई सेल्फ, हमने सेल्फ के बारे में पहले लेक्चर में ये देखा था कि हर एक आदमी जो है वो अपने आप को मैं कहता है, आई इज अ यूनिवर्सल एंटिटी। और दुनिया में जितना भी तगैयर आ जाए, चाहे एज तब्दील हो जाए, आपका माहौल तब्दील हो जाए, आपकी अपनी आप गमजदा हो, खुश हो, सेहतमंद हो या बीमार हो, द आई रिमेन्स द सेम। आई एम सिक, आई एम वेल, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम क्राइंग, आई एम लाफिंग। सो दिस इज अ कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। और हम यही समझते हैं कि जो मैं, ये मैं कह रही है वो अपना शऊर, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। वी आइडेंटिफाइड विद थ्री आईज, या थ्री सेल्फ ऑफ वन सिंगल पर्सन। एक वो जो अल्लाह ने फितरी तौर पर तख्लीक किया, दूसरा वो विच इज द रिजल्ट ऑफ अ सोशल कंस्ट्रक्शन। सोसाइटी ने हमें बताया कि तुम ये हो, तो मैंने अपने आप को वो समझना शुरू कर दिया। मुझे नाम भी सोसाइटी ने दिया, ओहदा भी सोसाइटी ने दिया। और अब सोसाइटी, हाउ डिड सोसाइटी रूल्स मी, ये हमारा पहला जो लेक्चर था वो इसके ऊपर था। ये सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव था, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट था कि हाउ सोसाइटी रूल्स अस, हाउ सोसाइटी वेल्स मी फ्रॉम इवन डिस्कवरिंग माई सेल्फ। अपनी हकीकत को दर्क करने से समाजियात जो है मेरी, वो क्या, मेरा माहौल क्या रोल प्ले करता है। तो वो मैंने अर्ज ये किया था कि हमारी सिर्फ दुनिया में दो ही ख्वाहिशें हैं, तीसरी ख्वाहिश कोई नहीं है। आई वॉन्ट टू डिज़ायर एंड आई वॉन्ट टू बी डिज़ायर, दो ही ख्वाहिशें हैं। मैं चाहता हूँ किसी को चाह लूँ और कोई मुझे चाह ले, बाकी सारे इसी की पैराफ्री है, इसकी एक्सटेंशन हैं। अब सोसाइटी प्लेज ऑन इट वेरी ब्यूटिफुली। अब किस तरह मैं, हाउ विल आई बिकम अट्रैक्टिव, हाउ विल आई बिकम डिज़ायर्ड। सोसाइटी गिव्स मी सिंबल्स ऑफ डिज़ायरेबिलिटी, जिसको हम मादा परस्ती कहते हैं, मटीरियलिज्म कहते हैं। बल्कि यहाँ पे वो एक मर्सिडीज पैराडॉक्स है, जिन्होंने सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ी है, जुनैद साहब की तरह वो जानते होंगे कि देर वॉज दिस गाय हु वॉज इन लव विद दिस गर्ल, वट एवर हर नेम, मैरी लेट्स से, एंड ही रियली वॉन्टेड हर टू लव हिम। लेकिन वो मुल्तफित ही नहीं होती थी, उस तरफ तवज्जो ही नहीं करती थी। तो वो उसने उसकी ज़रा थोड़ी सी जासूसी की, रैकी की कि वॉट इज दैट अट्रैक्ट्स हर, एंड ही अंडरस्टूड दैट शी वॉज रियली इन लव विद मर्सिडीज। सो नाउ ये बंदा जो है, इसने अपने अगले 15 साल उस मर्सिडीज की तलाश में गुजार दिया, काम किया, इतना काम किया कि वो मर्सिडीज के खत में मैरी को ही भेज दिया। And after 15 years, he gets that Mercedes. And when he gets the Mercedes, of course, Mary comes to him. But she never comes to him. She's going to the Mercedes. So you see, the love is lost. Islam jo hai, wo sarmaya dari ke khilaf nahi hai. You have to understand, there's a subtle difference. Islam kabhi bhi sarmaya dar ke khilaf nahi hai. Islam sirf sarmaya parasti ke khilaf. It has no problem with you acquiring materials. आप अमीर हो जाओ, इस्लाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका किबला और काबा और आपका मेयार ही दौलत बन जाए, इस्लाम इसके खिलाफ है। तो अब सोसाइटी ने इन सिंबल्स ऑफ डिजायरेबिलिटी की मदद से मेरा एक तशख्स कायम किया, मेरी एक पर्सनैलिटी बनाई। इट गॉट सो सोलिडिफाइड कि ये मेरा नाम है, ये मेरी जात है, ये मेरा खानदान है, ये मेरा स्टेटस है, इतना पढ़ा लिखा हूँ। इट गॉट सो सोलिडिफाइड दैट इट बिकेम माई व्हीकल एंड इट ट्रांसपोर्टेड and I traversed all my social life riding this vehicle. और मैंने इतना भी गौर नहीं किया कि हो सकता है मेरे अंदर कुछ ऐसा हो जो अभी undiscovered है।